That's like my boy. देखा? रुला दिया ना उसे? बता दिया ना उसे कि आप भी कितने strong हो? Very good. शुभम, क्या हुआ? खून निकला? लड़के ने मार दिया. उस लड़के ने मार दिया सर पे. उसने मारा? चुप रहिए। पहले अपने इस बदमाश बच्चे से पूछिए कि उसने क्या किया है। जबरदस्ती इस छोटे से बच्चे को डांट रही है। अपनी औलाद संभलती नहीं है, दूसरे के बच्चों को डांटने चली आती है। आपके बेटे ने मेरे बेटे का सर फोड़ दिया और आप उसी की तरफदारी कर रहे हो? हाँ? अपने बेटे को कंट्रोल करो, वरना पता नहीं बड़ा होने के बाद क्या करेगा। अरे उस बात की चिंता आप मत कीजिए, समझी? बेटा डोंट वरी, अरे छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ। अंश इधर आ, ये क्या किया तुमने? इसको तो बहुत चोट लगी, माफ कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा तो आप ही शैतान की माँ? हाँ अच्छी बात है, माँ कहती है बेटे की गलती हो गई है माफ कर दो, और बाप बड़ी बेशर्मी से बेटे की पीठ थपथपा रहा है, शाबाशी दे रहा है, देखो कैसे खून निकल आया है। ये इसके पापा नहीं है। तो कौन है ये? मुझे नहीं पता, होंगे कोई। आप प्लीज इन्हें, मैं इनके पापा से बात करना चाहती हूँ, उनको बुलाइए। कैसे आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं पता नहीं। शायद आप मेरे बारे में बात कर रही हैं। आप हैं इसके पिता? यही सिखाते हैं कि कैसे दूसरों का सर फोड़ते हैं? आपने अपने बच्चे को बहुत बिगाड़ के रखा है, ऐसे बच्चे को घर पर ही छोड़कर आइए। जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अंश ऐसा कभी नहीं करेगा, किसी के साथ भी नहीं करेगा। अंश जाओ भैया और आंटी से माफी मांगो, जाओ जाओ जाओ। अरे क्यों अंश, क्यों माफी मांगेगा? अंश ने क्या किया है? गलती इसकी है, पहले इसने धक्का दिया था अंश को, उसके बाद अंश ने से पत्थर मारा है, बहुत अच्छा किया। मैं अपने बच्चों को ऐसा कभी नहीं सिखा सकता कि अगर आप पे कोई हाथ उठाए तो आप भी उस पर हाथ उठाओ। बदले की भावना से दुश्मनी बढ़ती है, और अगर अपनी गलती मानकर माफी मांग लो तो दुश्मनी नहीं दोस्ती बढ़ती है। अनाज? यस पापा। चल देखो यश, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बुजदिल बना रहे हो, उसे डरपोक बना रहे हो।
मर्द का बच्चा है वो शेर बना उसे। शेर जंगली जानवर है, जंगल में रहता है, और हम इंसान है, और इसीलिए इंसानियत का नाता नहीं तोड़ सकते। चाहो अंश, चाहो माफी मांगो। माफ कर दिया बेटा, अपने पापा से कुछ सीखो, कितनी अच्छी बात करते हैं वो। हाँ, बड़े होकर अपने पापा की तरह बनना, रहम दिल भी, समझदार भी और बहादुर भी। इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, आप कहे तो हम आपको पास वाले नर्सिंग होम तक छोड़ दें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नजदीकी क्लिनिक है, मैं लेकर चली जाऊंगी, आप रहने दीजिए। चलिए अंश, आइए आरती। बड़े आए दूसरों के बच्चों को सहारा देने वाले, देखा उस बच्चे ने अपने माँ बाप की बात सुनी ना। कुछ लोग होते ही हैं बिना बात के दहाड़ मारने वाले और दूसरों पे हक जताने वाले। अरे जाइए ना, काम कीजिए अपना। चलो शुभम। अंश मेरा बेटा है, मेरे दिखाए रास्ते पर ही चलेगा। खून का रिश्ता सबसे गहरा होता है, वक्त आने पर मेरा खून भी अपना रंग दिखा ही देगा। मेरी तरह बनेगा मेरा बेटा, मेरा अंश बिल्कुल मेरी तरह। देखो, उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मम्मा अभी आती होगी, फिर देखना हम सब मिलके साथ में खाना खाएंगे। अंश, पलक पायल लो, मम्मा आ गई। दीजिए आरती जी, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। ये लो अंश, ये पलक के लिए, ये पायल के लिए। मम्मा, जो दादाजी ने आपको पनिशमेंट दी थी वो कब खत्म होगी? हम सब एक साथ में खाना खाते थे तो कितना मजा आता था ना, हम फिर से कब खाएंगे? हमें दादाजी के पास जाना है।
प्रतीक चाचा भी कितने अच्छे अच्छे जोक बोलते थे और सबको कितना हंसाते भी थे। भिंडी? अरे भिंडी क्यों बना दी विधि? यश देखेगा तो मुंह बनाएगा, तुझे पता ना उसके लिए तो आलू। शुरू करो सब। अच्छा, मतलब प्रतीक चाचू को ही हंसाना और जो करना आता है? ऐसा नहीं है, मैं भी आपको 15 सेकंड में हंसा सकता हूं। रहने दीजिए यश जी, आपसे नहीं होगा, आप नहीं हंसा सकते जैसे प्रतीक चाचू हंसाते हैं। और वैसे भी ये एक टैलेंट होता है जो सिर्फ प्रतीक भैया के अंदर ही है। आरती जी रहने दीजिए, वो टैलेंट प्रतीक में मुझसे आया है। ओ अच्छा जी, पर आपके कह देने से हम थोड़ी ना मान जाएंगे, क्यों बच्चों? हाँ। आपने 15 सेकंड मांगे ना, हम आपको 1 मिनट देते हैं, पूरे 1 मिनट, 60 सेकंड्स। आप इसे 1 मिनट में हमें हंसा के दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे कि आपके अंदर भी टैलेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपका काउंटडाउन अब स्टार्ट होता है। 60 59 59 58 58 50 50। एक 50 कहाँ से आ गए थे? चीटिंग चीटिंग चीटिंग। आरती जी ये चीटिंग है, बच्चों ये चीटिंग है। 30 20 10 9 8 7 6 5 4। एक मिनट आरती जी, बच्चों जोक याद आ गया। हाँ तो इतना कमाल का जोक है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि आप लोग कितनी हंसी आने वाली है। तो जोक ऐसे स्टार्ट होता है कि एक बच्चा था, वो बच्चा अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा ये कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो मम्मा बोलती है मालूम नहीं। तो बच्चा दूसरा सवाल पूछता है, मम्मा अकबर के कितने बच्चे थे? तो मम्मा को फिर से कुछ पता नहीं। जब तीसरा सवाल पूछने एक मिनट आरती जी, तीसरा सवाल क्या था? ताजमहल। हाँ आपको भी चौंका था। हाँ तो बच्चा पूछता है कि ताजमहल कहाँ है मामा? तो मामा को फिर से कुछ नहीं मालूम। अब बच्चा चुपचाप से बैठ जाता है तो मामा बोलती है कि बेटा सवाल करो, सवाल करने से जनरल नॉलेज बढ़ जाती है। परी थी।
मम्मी जी हिम्मत रखिए, अगर आप ही ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं? कैसे संभालूं खुद को? माँ हूं मैं, एक ही घर में रहकर अपने बेटे से दूर रहना सहन नहीं होता मुझसे। तेरे बाबूजी ने आरती को सजा दी है, पर वो ये नहीं जानते कि ये सजा हम सब भुगत रहे हैं। आरती ने तो कुछ नहीं खोया, उसके पास तो उसका परिवार है और वो खुश है अपनी दुनिया में। तूने तूने सुनी ना उनकी हंसने की आवाज? सुनी थी ना? और अब हम सब तड़प रहे हैं यहाँ। मैं तड़प रही हूँ, खोया तो हमने है, मैंने खोया है मेरी खुशी, मेरा चैन, मेरा पूरा पूरा परिवार का साथ। तड़प मैं रही हूँ अपने बेटे और अपने पोतियों से दो शब्द प्यार से बोलने के लिए। तेरे बाबूजी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ बहू, न जाने कौन सी भूल की सजा दी उन्होंने मुझे। अफसोस हो रहा है मुझे कि मेरी पत्नी इतने कमजोर दिल की है। आखिर औरत है ना। भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा भैया, सच ही तो है। आरती का कुछ नहीं बिगड़ा, उसके तो दोनों हाथ भरे हुए हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि आपने उसे जो सजा दी है उससे उसे फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। सजा तो उसे तब मिलती जब ना उसका पति उसके साथ होता और ना उसके बच्चे। देखिए जी, मैंने आज तक सारी जिंदगी आपकी हर बात मानी है, आपके हर फैसले का सम्मान किया, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरी एक बिंदी आप मान लीजिए, या तो मुझे अपनी जान देने की इजाजत दे दीजिए, या मेरे बेटे और मेरी पोतियों को मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं नहीं जी सकती उनके बिना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, बस मुझे मेरे बच्चे लौटा दीजिए, मुझे मेरे बच्चे लौटा दीजिए। तारीख से पहले तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पोतियां तुम्हारे पास में होंगे गायत्री। इसका मतलब आप आरती को सजा नहीं देंगे भैया? उसे माफी कभी नहीं मिल सकती। इस घर में, मेरे घर में सिर्फ यश आएगा अपनी बेटियों के साथ। आरती और उसके बेटे अंश को यश से और हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। ये सूरज प्रताप सिंधिया का फैसला है।